डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 8.1 यानी कि ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति वाले सेक्शन में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हुए हैं। आपको जानना चाहिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर टोटल 6 तक के डिस्कस किया है। चलिए आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू दोस्तों 7/8 है। देख लो भाई, सवाल में दिया है हमें क्या दिया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 7/8। ठीक है, ये चीजें दिया हुआ है, दिया है, ठीक है, दिया है कितना, तो cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। और फिर हमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है। पहला में बोल रहा है कि आप निकालो 1 + sin थीटा ब्रैकेट, फिर है 1 - sin थीटा का ब्रैकेट बट्टा 1 + cos थीटा का ब्रैकेट 1 - cos थीटा का ब्रैकेट, और दूसरा जो सवाल है वो cot स्क्वायर थीटा है। देख लो सवाल यहां पे समझेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोगों को ये हिट करना चाहिए कि cot थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8। cot थीटा का जब 7/8 है दोस्तों, तो cot थीटा का फार्मूला अपनाओ। cot थीटा का होता है b/t इज इक्वल 7/8। यहां से पता चल रहा है आपको कि यहां से क्या क्या पता चल रहा है, b का वैल्यू 7, p का वैल्यू 8, तो आप यहां से चलते चलते क्या निकाल लियो h। किस फार्मूला से निकालेंगे आप, तो h इज इक्वल टू √p² + b² इसका यूज करते हुए आपको निकल जाएगा एच। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों का तीनों निकल जाएगा, पी निकल जाएगा, बी निकल जाएगा और एच निकल जाएगा। तो आप पाएंगे कि तीनों जब निकल जाएगा तो आप साइन थीटा 1 - sin थीटा, चलिए हम इसको करके ही दिखा देते हैं। तो फार्मूला यहां पे एच का वैल्यू निकाल लेंगे आप, कितना निकलेगा √p² तो p का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, b का वैल्यू 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और इसको जोड़ेंगे तो 9 × 4 कितना होता है 13, 6 × 4 = 10 और 111। ठीक है, और अब 113 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो h का वैल्यू कितना छोड़ देंगे 113। तो यहां से b और p दिया हुआ था तो h निकाल लिए। अब हम लोगों का p भी निकल गया, b भी और h भी, तो अब हम पहला सवाल से चलते हैं। ठीक है, b का वैल्यू ध्यान दे 7 है, b का वैल्यू 7 है, ये नहीं चल रहा है, b का वैल्यू 7 है और p का वैल्यू 8 है और ये आया है एच का वैल्यू। ठीक है, अब पहला सवाल से आप देखेंगे, पहला सवाल क्या है, तो ब्रैकेट में 1 + sin थीटा फिर ब्रैकेट 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये हम लोगों को सवाल में दिया हुआ है दोस्तों। अब इसका वैल्यू निकालना है तो पहले तो पूरा बट्टा है ना बीच में, ऊपर है 1 + sin थीटा का फार्मूला दोस्तों पता होगा आपको, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है p/h इंटू 1 - sin थीटा का फार्मूला होता है p/h। यहां भी होगा 1 + cos थीटा b/h और 1 - b/h, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, आप फार्मूला पढ़े होंगे पहले
पहली पढ़े होंगे आप कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप नाइन्थ क्लास एट क्लास में पढ़े होंगे। तो ए के जगह पे यहाँ पे वन है और बी के जगह पे टोटल पी बाई एच है। तो ऊपर आप देख पा रहे होंगे तो ऊपर बन रहा होगा ए का स्क्वायर माने वन स्क्वायर माइनस बी के जगह पे पी बटा एच है तो पी बटा एच का स्क्वायर। यहां पे भी वही बन रहा होगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि बी बाई एच का होल स्क्वायर बन रहा होगा ना, बिल्कुल बन रहा होगा। यहां पे देख पा रहे होंगे आप वन का क्या है स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर कितना होगा वन माइनस पी बटा एच का स्क्वायर। तो पी कितना है दोस्तों, पी हम लोगों का आठ है और बटा एच है रूट अंडर 113 का करेंगे ऊपर स्क्वायर। ठीक है, और पूरा का बट्टा वन स्क्वायर माइनस, तो वन का स्क्वायर वन माइनस बी के जगह पे कितना है, बी के जगह पे सेवन है, सेवन बट्टा रूट अंडर 113, एच का वैल्यू 113 है, इसका करेंगे स्क्वायर। जगह का भाव है, फिर से हम ऊपर से मिटाते हैं, फिर ऊपर कितना बन रहा होगा दोस्तों, ये तो पूरा बट्टा है, वन को हम ऊपर वन बटा वन नहीं लिख सकते हैं, माइनस आठ का स्क्वायर दिख पा रहा होगा 64 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर करना है, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसिल, तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा 113, यहां पे भी वन है तो नीचे वन बटा वन कर दीजिए और फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे। सात का स्क्वायर कितना होता है 49 कर दिया, नीचे वाला का भी तो स्क्वायर करेंगे, रूल होता है कि जब बट्टा में हो और पूरा का स्क्वायर करना हो तो ऊपर वाला का भी स्क्वायर करते हैं, सात का स्क्वायर 49 और नीचे वाला का भी स्क्वायर करते हैं, तो नीचे वाला रूट में है तो रूट और स्क्वायर खत्म होगा, कितना बचेगा 113। फिर आप देख पा रहे होंगे पूरा ये बट्टा है, एक और 113 का एलसीएम ले लीजिए, एक और 113 का एलसीएम कितना होगा 113, एक को 113 से गुना करेंगे तो 113 माइनस 113 से, मतलब कि ऊपर वाला का हम एलसीएम ले लिए हैं भिन्न का घटाव करने के लिए, तो 113 एलसीएम तो यहां बचेगा 64, नीचे वाला का भी आप एलसीएम ले लीजिए कितना बचेगा 113, तो यहां बचेगा 113 माइनस 49। अब जब घटाएंगे तो 113 में से 64 घटाइए, तो 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना बनेगा 49 बट्टा में 113, और जब 113 में से 49 अगर घटाते हैं तो यहां बनेगा 64 बट्टा 113। तो नीचे वाला अगर सेम रहता है तो कट जाता है, तो अब हम लोगों का इसका आंसर आ जाएगा 49 बट्टा में क्या 64। तो पहला का आंसर दिख गया कि इसका जगह पे सिर्फ आपको क्या जरूरत पड़ा, तो P, B और H अगर निकल गया तो आप फार्मूला पे रख दीजिए, आंसर आ गया। दूसरा सवाल आपको दिख पा रहा होगा हमें कोट स्क्वायर थीटा लिखना है। आप देख लो एक चीज और आज आप सीख लो कि अगर ट्रिगो में जैसे मान लिया कि हम बोलेंगे कि एक फंक्शन x है, आप x का स्क्वायर लिखो, क्या लिखो x का स्क्वायर लिखो, तो आप कैसे लिखते हैं x का स्क्वायर, हम बोलेंगे कि 5 है और 5 का स्क्वायर लिखो आप, तो 5 स्क्वायर लिख देते हो। लेकिन दोस्तों कोई भी ट्रिगो रहे, ट्रिगो कितने तरीके के होते हैं, 6 तरीके के होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, यही 6 तरीके के ट्रिगो होते हैं। और कभी इन ट्रिगों का स्क्वायर करने के लिए बोलेगा तो आप जैसे मान लिया कि साइन थीटा है, साइन थीटा का स्क्वायर करने के लिए बोलेगा तो आप कभी भी साइन थीटा का स्क्वायर नहीं करेंगे, ये आपका गलत होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। इसको लिखने के लिए या तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा को साइन स्क्वायर लिख के तब थीटा लिखो, या फिर
आप पूरा का लिख के और ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको जरूरत पड़ा कि कॉट थीटा है और इसका पावर फोर लिखाना है, पावर फोर या कॉट क्यू थीटा लिखना होगा, तो आप कॉट क्यू थीटा, कॉट थीटा का क्यू कभी नहीं लिखते हैं, कॉट के पावर थीटा को हमेशा बगल में छोड़ देते हैं, या फिर इसको एक तरीका पूरा लिख लीजिए और तब हॉल का क्यूब लिख देते हैं, ऐसा सही होता है। कभी आप ऐसे में लिखिएगा कॉट थीटा क्यूब, ये गलत हो जाता है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। ध्यान दे दीजिएगा इस बात को, अक्सर ये ट्रिगो में लागू होता है। ट्रिगो में अगर हमको मिलेगा टेन थीटा का क्यूब करना है, चाहे टेन थीटा का पावर फोर दे रहे हैं तो टेन के पावर फोर थीटा, ये हम लोगों को, यानी कि थीटा के पावर नहीं लिखते, टेन के पावर, साइन के पावर, कोस के पावर, ये सब लिखने के बाद थीटा को लिखा जाता है। तो थोड़ा सा ये चीज आपको समझना चाहिए। जैसा कि दूसरा सवाल में आपको बोल रहा है, क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब आपको क्या समझा, समझ में आया कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आया। तो दूसरा सवाल हमें क्या बोल रहा है कि आप कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि कभी भी ट्रिगो का ना स्क्वायर लिखना होगा तो ऐसे ही लिखते हैं, या फिर होल करके स्क्वायर लिखिए, दोनों सेम है। लेकिन कभी भी आप कॉट थीटा लिख के तब स्क्वायर नहीं चढ़ाइए, ऐसा हमेशा गलती हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है कि कैसे ट्रिगो का पावर दिया जाता है। तो ट्रिगो का पावर देने के लिए साइन का पावर, कोस का पावर, टेन का पावर दिया जाता है, थीटा को लेकर पावर नहीं दिया जाता है। दैट इज अ माइनर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स, यानी कि ये बहुत ही छोटा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है जिसको आपको समझना चाहिए। तो हमको पता चला कि कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर। और दोस्तों कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा का फार्मूला पी बाई बी का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो हम लोगों को पहले से ही है, हम लोग तो एक्चुअली कॉट थीटा का फार्मूला लगाए हैं। आप क्या करियो, पी का वैल्यू रख के बी का वैल्यू रख के उसका स्क्वायर कर लियो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम समझा चुके हैं कि दूसरे क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों के लिए 7 था। इसमें एक बहुत अच्छा नया चीज सीखें कि ट्रिगोनोमेट्री के पावर कैसे दिया जाता है, ये आपको समझ आना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा मैं इंक डाल दे जाए, मैं इंक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा क्वेश्चन तब तक देखिए आप लोग। बोल रहा है कि 3 cot a का वैल्यू 4 है, 3 cot a का वैल्यू कितना है, 4 है। तो 3 cot a का वैल्यू अगर 4 है तो फिर हम लोग उसका सिचुएशन देखते हैं कि, तो हम लोग जानते हैं कि अगर 3 cot a बराबर 4 है तो कैसे करते हैं वो चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि 3 cot a का वैल्यू 4 है। भाई देख लो, 3 cot a का वैल्यू कितना है, 4, दिख रहा है ना, हाँ 3 cot a का वैल्यू 4 है। तो जांच कीजिए कि देखिए इतना का वैल्यू 4 है, 3 cot a का वैल्यू 4 है, ये हम लोगों को क्या है सवाल में दिया है, ये क्या है दिया है, हमें जांच करना है, हमें जांच करना है कि, हमें जांच करना है कि 1 minus tan square a बटा 1 plus tan square a का वैल्यू
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है, ये हम लोगों को दोस्तों जांच करना है। देख लो, अब जांच करने का मतलब क्या दोस्तों, प्रूफ करना है, ये समझ लो। हम लोगों को प्रूफ करना है, जांच करना है कि क्या ये वाला चीज इसके बराबर है या नहीं है। बराबर है तो हम लोग लिख देंगे कि यह बराबर है, अगर बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे कि यह बराबर नहीं है। लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा कि यह बराबर है और बराबर नहीं है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको पकड़ना चाहिए, यहां हम लोगों को दिया है, क्या दिया है भाई, तो 3 cot A का वैल्यू है ना वो 4 दिया हुआ है। अब 3 तो गुना में है, इधर 3 कहां जाएगा, भागा में। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि cot A का वैल्यू कितना हो गया, 4/3। cot A का वैल्यू कितना हो गया, 4/3। क्यों, क्योंकि 3 इधर गुना में था, नीचे चला जाएगा भागा में। आपको हम हिंट्स दे रहे हैं, अब cot A का फार्मूला आपको हम याद करवाएं कि cot A रहे चाहे cot थीटा रहे, चाहे cot बीटा रहे, चाहे cot अल्फा रहे, हम लोगों को एंगल से मतलब नहीं है। cot का फार्मूला देखो आप, cot का फार्मूला आपको याद आना चाहिए, B/P होता है। तो cot का फार्मूला नीचे रख दिया, B/P, और इज इक्वल इधर क्या है, 4/3, ठीक है। अब यहां के बाद आपको समझना चाहिए कि जब अगर ऐसा सिचुएशन होता है दोस्तों, तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर हो गया और नीचे वाला नीचे के बराबर हो गया, तो यहां पे आपको फिर से लिखना पड़ेगा कि b का मान कितना हो गया 4 और p का मान कितना हो गया 3। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि तीन चीज ज्ञात होना चाहिए, b का मान और h का मान। तो यहां पे हम लोगों को किसका मान घट रहा है भाई, h का मान, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, h का वैल्यू घट रहा है। तो h का वैल्यू घट रहा है तो आप किस फार्मूले को यूज करेंगे, h इज इक्वल टू √P² + B² आपको इस फार्मूले का यूज करके आप h का मान निकाल लीजिए। रूट का रूट है, p का स्क्वायर यहां रखियो, b का वैल्यू यहां रखियो और h का वैल्यू निकाल लियो, ठीक है। h का वैल्यू निकल गया तो हम लोगों को तीनों वैल्यू पता हो गया, p का भी वैल्यू पता हो गया, b का भी वैल्यू पता हो गया और h का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरीके से तीनों वैल्यू हमें पता हो जाएगा। अब जब तीनों वैल्यू पता हो जाएगा, हम जरा, मेरे पास जगह नहीं है, हम साइड में लिख लेते हैं, p का वैल्यू, b का वैल्यू और h का वैल्यू। b का वैल्यू कितना है 4, p का वैल्यू कितना है 3, और जब आप h का वैल्यू निकालेंगे तो हम आपको बता रहे हैं 5 आ जाएगा। आप खुद से निकालिएगा h का वैल्यू कितनी आएगी, 5। जब तीनों का वैल्यू आ जाएगा तो हमें सवाल क्या बोल रहा था, जांच करना है, हमें चेक करना है, हमें प्रूफ करना है कि LHS का पार्ट और RHS का पार्ट इक्वल है। अब लोगों को समझ नहीं आता है कि किसको LHS बोलते हैं, किसको RHS बोलते हैं। तो जो बराबर दिख रहा ना यहाँ पे, बराबर के पहले वाला जितना भी चीजें होती है उसको हम लोग बोलते हैं LHS। LHS का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड होता है, यानी कि बाएं हाथ की तरफ वाली वैल्यू, ठीक है। और इसका मतलब बराबर के राइट साइड जितना भी चीजें रहेगा, प्लस में माइनस में सब, इसको हम बोल देंगे RHS। RHS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो राइट हैंड साइड, यानी कि दाहिने तरफ की दी गई चीजें। अब हमको क्या बोल रहे सवाल में ना, कि बाएं तरफ की चीजें और दाएं तरफ की चीजें को चेक करो कि बराबर है या बराबर नहीं है। तो आप करेंगे क्या, बारी बारी से आपको काम करना होगा। पहले आप LHS से चलेंगे, LHS से चलते चलते कुछ LHS का वैल्यू निकलेगा, फिर RHS से चलेंगे, RHS से चलते चलते कुछ वैल्यू निकलेगा।
अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अलग अलग आता है तो हम उसके नीचे लिख देंगे कि यह बराबर नहीं है। अगर इसका भी वैल्यू 10 आता है, सपोज दैट, मान लिया इसका भी वैल्यू 10 आता है, हम लिख देंगे कि यह बराबर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सिंपल हो सकती है। तो हम लोगों को तीनों चीज पता हो गया, तो आप सबसे पहले क्या निकालिएगा, LHS, जैसे कि दिखा रहे हैं आपको। अब लिखिएगा LHS से, LHS से, तो LHS में क्या है, 1 माइनस टेन ए का टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दोस्तों जैसा कि हम बताएं, टेन स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ कि टेन ए का होल स्क्वायर ना, इसका मतलब आप लिखिएगा 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मतलब पी बाई बी का होल स्क्वायर, और पी का वैल्यू रख के बी का वैल्यू रख के सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो LHS का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर आप यहां पे लिखिएगा RHS से, RHS में आप लिखिएगा cos स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और जब यहां पे ऐसे लिखिएगा cos स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मतलब क्या हुआ, cos स्क्वायर a का मतलब क्या हुआ, cos a का होल स्क्वायर ना, और tan स्क्वायर a का मतलब क्या हुआ, sin a का होल स्क्वायर। तो cos a का फार्मूला क्या होता है, जैसा कि बताएं आपको cos a का फार्मूला होता है b बाई h, इसका आप स्क्वायर स्क्वायर कर देना, माइनस साइन ए का फार्मूला आपको बताया है, या साइन थीटा बोल लो आप, इसका फार्मूला हम आपको बता चुके पी बाई एच, इसका क्या कर दियो स्क्वायर, और पी बाई एच दिख पा रहा होगा यहां से, पी बाई एच यहां से दिख पा रहा होगा, आप इसका क्या कर लेना सॉल्यूशन। तो आप यहां पे पाएंगे अगर दोनों वैल्यू अलग अलग आएगा, लिख दीजिएगा यह बराबर नहीं है, दोनों अगर बराबर आएगा, दोनों का वैल्यू आप लिख देना, दोनों यहां दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बोला जा रहा था जिसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9 नंबर देखते हैं कैसे बोल रहे क्वेश्चन। बोल रहे त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, जिसमें ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण बी को हमें क्या बनाना है, समकोण, और समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कुछ स्ट्रक्चर, कुछ फिगर बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, चलिए आप देख लीजिए, यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है जिसको हम लोग को नाम देना होगा जबरदस्ती बी। बी ही नाम क्यों देंगे, क्योंकि सवाल में बोला है कि बी एक समकोण है, इसका नाम हो जाएगा ए और इसका नाम हो जाएगा सी। तो इस तरीके से त्रिभुज एबीसी मेरा समकोण त्रिभुज है जिसमें बी जो है 90 डिग्री है, समकोण है। फिर क्या बोल रहा है कि इस सवाल में यदि दिया है, क्या दिया है इसमें, tan a बराबर, tan a बराबर कितना, तो tan a बराबर हम लोगों को सवाल में दिया है 1/√3, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और निम्नलिखित का मान में कौन कौन सा है, फिर पहला सवाल दिया है और दूसरा सवाल दिया है। देखिए भाई, पहला सवाल हम लोगों को कैसे कैसे बोल रहे हैं, तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये दोनों का वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले देखा जाए, हमें यहां पे टेन ए
बराबर 1/√3 दिया है। हमको यहां पे ध्यान देना चाहिए कि यहां पे एंगल क्या है, ए है, यानी कि ए को अगर हम लोग यहां पे थीटा माने हैं, ए को क्या माने हैं, थीटा। क्यों? क्योंकि टैन ए दिया हुआ है तो इसको मान लिया थीटा। तो टैन ए का फॉर्मूला कितना होता है, पी बटा में बी बराबर कितना, 1/√3। तो अभी हम ए को थीटा क्यों माने, क्योंकि जो सवाल दिया है उसी से ना हम लोग चलेंगे। तो यहां पे टेन ए का वैल्यू 1/√3 था, टेन ए का फॉर्मूला पी बाई बी बराबर 1/√3। हम ए यहां से चल रहे हैं और फिगर दिया हुआ है, तो अक्सर हम बोले हुए हैं कि जब कभी भी आपको फिगर दे दे वहां पे आपको थोड़ा सा संभल के काम करना होता है कि ए का वैल्यू हो जाता है, देख लो सी बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ए को हम थीटा मान लिए। तो अब पी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पी का वैल्यू हो गया 1। तो जब हम इसको थीटा माने तो इसको थीटा माने तो यही ना हम लोगों का पी हो गया 1 यूनिट, यहां से लेकर यहां तक 1, ठीक है। और बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू 3, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का बी, ये हो जाएगा बी कितना है, 3 है यहां से लेकर यहां तक। और दोस्तों जब पी का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, तो एच नहीं निकल जाएगा, √P² + D² तो पी का स्क्वायर मतलब कितना, पी का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, और बी का मतलब √3 का स्क्वायर ना, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 और 1 मिलके 4, और 4 का वर्गमूल कितना, 2। तो कुल मिलाकर एच का वैल्यू हमें ये ना हुआ, ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोग, तो ये पता चल रहा है कहानी कि अब इस त्रिभुज में हमको तीनों चीज पता चल गया, तीनों भुजा पता चल गया, यानी कि पी बी एच पता चल गया। जब इतना चीज पता चल गया तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो दिखा रहा है sin A cos C + cos A × sin C। अब यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा थोड़ा सा ध्यान देकर लगाना है। सबसे पहले आप आंख बंद करके साइन का फॉर्मूला, cos का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला रख दो। तो यहां पे साइन का फॉर्मूला रख दिया, कितना होता है, साइन के लिए होता है पी बटा में एच, फिर इंटू, फिर क्या है कॉस सी, इसके लिए होता है बी बटा में एच, फिर प्लस, फिर क्या है कॉस ए, तो बी बटा में एच, इंटू साइन है तो साइन के लिए पी बटा में एच। इतना चीज करने के बाद दोस्तों अब जैसे ही हम लोगों को मान रखने वाला आता है, तो मान रखने के लिए अब जरा हम लोग एंगल देखेंगे। हम लोग जो ये पहला वाला चीज है, ये वाला चीज, ये साइन ए के लिए है, तो एंगल ए को मानेंगे थीटा, और इसको थीटा मानने के बाद सामने वाला पी होता है, तो थीटा ये किसके लिए आया, तो साइन ए के लिए, तो ए को हम लोग थीटा देखें, तो थीटा को देखेंगे तो सामने वाला पी हुआ, तो पी का वैल्यू रख दिया 1, और एच तो हमेशा हर जिंदगी में तो वो 2 ही रहेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा होता है, कुछ भी हो जाए एच का मान वही रहेगा। फिर इंटू है, इंटू देंगे। अब की बार बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू के लिए सोचना पड़ेगा आपको, ये बी जो आया है ये किसके लिए आया, तो सी के लिए ना। अरे भाई यहाँ पे एंगल देखो, फिगर दिया हुआ है ना, थोड़ा सा एंगल देख लो, सी के लिए हमको बी रखना है, तो सी को इस बार मन में थीटा मानो, सी को मन में थीटा मानो, क्योंकि यहाँ पे सी है, तो जब सी थीटा होता तो सामने वाला तो पी हो जाता, हमको रखना है बी का वैल्यू, तो ये पी ना हो जाता सी के लिए,
हमको रखना है बी, तो यहाँ पे भी रखेंगे वन और एच का मान हमेशा दो ही रहेगा, सबके लिए वही रहेगा। फिर हम लोगों के लिए प्लस है, प्लस रखेंगे। फिर आप देख लो कॉस ए है, यानी कि फिर से आपको सोचना पड़ेगा ए के लिए अब काम, यानी ए पर थीटा रख के सोचना है बी का वैल्यू। तो ये सामने वाला तो पी हो जाता है, ए के लिए सामने पी हो जाएगा, लेकिन हमको रखना है बी का मान। तो बी का मान कितना, रूट थ्री और बटा में एच कितना, एच हमेशा दो रहेगा, फिर इंटू। अब जरा साइन सी है, तो साइन सी, तो इस बार सी पर थीटा लेना है, सी पर हम लोगों ने थीटा लिया और तब पी का मान रखना है। तो जब हम लोग सी पर थीटा लिए तो पी सामने होता है, कितना पी का मान, रूट थ्री और बटा में। तो ध्यान दीजिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो भी अगर फिगरली ड्रॉ कर दिए उसमें साइन ए और कॉस सी रहता है, तो वहां पे थीटा लिया जाता है जहां पे बोला जाए, ए पर बोला तो ए पर थीटा रख के तब पी और बी डिसाइड करना है, सी पर बोले तो सी पर थीटा रख कर पी और बी डिसाइड करना होता है, क्योंकि एच का तो मान वही रहता है। चलो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। वन वन का गुना किया वन, टू टू का गुना किया फोर, प्लस रूट थ्री और रूट थ्री गुना होकर कितना बचता है थ्री, और टू गुना होकर फोर। अब फोर फोर का एलसीएम लिया तो ऊपर बच गया वन प्लस थ्री। इस तरीके से फोर फोर को डिवाइड किया तो पहला का आंसर हम लोगों को आ गया वन। तो दोस्तों नवा में टोटल दो क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा चुके हैं, सेम वैसे ही आपको नवा का दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आपको जो जो क्वेश्चन नौ तक के में छोड़े हुए हैं उसको आप जरूर बनाइए। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।